महेंद्र सिंह धोनी जब अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए टॉस के लिए आए थे तो वो काफी भावुक नजर आए थे। इसके कई कारण थे। पिछले दो सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नहीं खेली थी और दो सीजन तक धोनी ने पुणे की टीम से खेला था। पुणे की टीम के लिए धोनी का पहला साल तो ठीक था, लेकिन दूसरे साल पुणे टीम के मालिक हर्ष गोयनका ने धोनी की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले गोयनका ने धोनी को कप्तानी से हटाकर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया और बाद में ट्वीट कर कहा कि स्मिथ धोनी से शानदार कप्तान साबित हुए। हालांकि तब धोनी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी वाइफ साक्षी ने गोयनका को ट्विटर पर ही करारा जवाब दिया था। मगर अब एक बार फिर बाजी महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में लगी है। धोनी अब उसी पुणे के मैदान में वापसी करने जा रहे हैं और वो भी बतौर कप्तान, जहां उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। चेन्नई सुपर किंग्स के मैच चेन्नई से शिफ्ट करके अब पुणे में होंगे और पुणे ही अब सीएसके के लिए होम ग्राउंड होगा। तो अब धोनी पुणे के क्राउड के सामने एक बार फिर कप्तान बनकर खेलेंगे। साथ ही पुणे के मैदान में धोनी का वही धाकड़ अंदाज भी दिखेगा जिसे पिछले साल हर्ष गोयनका ने छीनने की कोशिश की थी। तो अब देखना यह होगा कि पुणे के मैदान में धोनी के नेतृत्व में सीएसके कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।